हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज 23 मार्च और हम बात करने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो देखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक पीएसयू बैंक है और आपको याद होगा फ्राइडे को यानी कि कल 22 मार्च को, तो देखिएगा सबसे बड़ा जो लूजिंग फैक्टर था वो था पीएसयू बैंक। अब देखिएगा सारे के सारे स्टॉक जो पीएसयू बैंक से रिलेटेड थे वो सारे के सारे गिरे हैं। तो देखिए, अब चूंकि वो गिरे तो हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, क्योंकि इसमें देखिएगा एक रैली चल रही थी बहुत अच्छी और इसमें जो टारगेट दिए गए थे वो भी देखने में बड़े अच्छे लग रहे थे। तो देखिए, एचएसबीसी ने सबसे ज्यादा टारगेट दिया था जो था 370 का। उसके बाद देखिएगा इसमें जो क्रेडिट स्विस थी उसने भी एक बहुत अच्छा टारगेट दिया था जो कि 350 के लगभग है। वही बात करते हैं तो देखिएगा जो कि मैक्वेरी है उसने देखिए कहीं ना कहीं एक न्यूट्रल दिया था टारगेट जो कि 315 का था। तो देखिए जिस तरीके के इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट थे उसे देखने के बाद लग रहा था कि कहीं ना कहीं 370 तो उसको लगाना चाहिए। लेकिन देखिए अब चूंकि क्या हुआ, देखिए फ्राइडे को इसने 1251 करोड़ के लगभग बॉन्ड जो थे बॉन्ड के जरिए पैसा जुटाया है अपने टीयर फर्स्ट कैपिटल रेशियो को बढ़ाने के लिए। तो देखिए मुद्दा क्या, मुद्दा ये है कि 20,000 करोड़ रुपया जुटाना है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अगली मार्च 2020 तक। अब चूंकि इनका 50,000 करोड़ का कहना कहीं एक जो एनपीए हो रखा था उसको कहना कहीं इनको बराबर करना है, इक्वल करना है, तो उसके लिए ये सब जुद्दोजहद चल रही है। अभी 20,000 करोड़ रुपए जो जुटाएंगे ये देखिए पब्लिक ऑफर्स के थ्रू और देखिएगा बॉन्ड्स के थ्रू ही जुटाए जाएंगे। तो चलिए, जो एक न्यूज हुई थी फ्राइडे को 1251 करोड़ रुपए जुटाने की वो पॉजिटिव तो नहीं थी, ये तो हमें समझ में आ गया। तो चलिए अब बात करेंगे कि अब किस तरीके के सेंटिमेंट्स हैं। तो देखिए 303.80 के लगभग देखिएगा इसमें जो इसने प्रीवियस क्लोजिंग थी उसका ओपनिंग दिखाई 304.30 की। तो देखिएगा महज एक 50 पैसे की गैप ऑफ ओपनिंग से खुला, हाई लगाया 306.40 के लगभग। आप देखिएगा ये जो इसने हाई लगाया वो 2.10 रुपए के लगभग ऊपर था। वही बात करेंगे देखिए इसके लो की 296.95, आप देखिए ये जो लो था वो था 7.35 रुपए के लगभग नीचे अपनी ओपनिंग से, क्लोजिंग थी 298.05 के लगभग ओपनिंग से। वही देखिएगा ये थी 6.25 रुपए के लगभग, देखिएगा ये अपनी ओपनिंग से नीचे जाके क्लोजिंग करी। वहीं तकरीबन 3000 के लगभग बाइंग क्वांटिटीज है इसमें, क्वांटिटी जो ट्रेड हुई थी वो थी 1,78,00,000 के लगभग और 50,00,000 के लगभग देखिएगा इसमें डिलीवरी हुई 28.33% के लगभग डिलीवरी परसेंटेज। अब चलते हैं तो देखिएगा अब ये मैं आपको इसका हाई भी दिखा दूं 52 वीक का जो कि 326 रुपए का है और देखिएगा जो लो है वो 232 रुपए का है जो कि इसने 23 मार्च 2018 को बनाया था और हाई बनाया था 10 अगस्त 2018 को, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। वहीं आगे चलते हैं तो एक बार इसके फ्यूचर्स मार्केट को देखिए। तो देखिए फ्यूचर्स मार्केट में देखने के बाद देखिए फ्यूचर्स की क्लोजिंग अच्छी है तो बेसिस थोड़ा बहुत पॉजिटिव है हमारा। वहीं बात करेंगे देखिए हमारा ओपन इंटरेस्ट भी घट गया है और देखिएगा हमारा फ्यूचर्स का प्राइस भी घटा है, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट्स बिल्डअप हुए हैं, अभी शॉर्ट्स खुलने के बाद में तेजी दिखाई देगी। वहीं बात करेंगे इसके पूरे दिन के बारे में तो चार्ट को देख लेते हैं एक बार, पिवट लाइन्स मैंने आपके सामने लगा रखी है। देखिए खुलने के बाद तकरीबन आधे घंटे के लगभग ही इसने देखिए ये दो कैंडल बना दी थी जो कि तकरीबन हाई बना के आई। वहीं देखिए जो पहला रेजिस्टेंस था R1 जो कि 305.78 के लगभग था, तो देखिएगा ये इसको क्रॉस करने के बाद 306 पे जो इसने हाई लगाया था यहाँ पे, तो देखिए इसको बिल्कुल स्टे नहीं कर पाया, कहीं ना कहीं न्यूज ने बहुत अफेक्ट किया, हम जाके पिवट लाइन से टकराए जो कि 302.92 के लगभग थी ये पिवोट लाइन। अब हमने बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं की पिवोट लाइन की और लेकिन हमने ये देखिए हमारा जो सपोर्ट था पहला वाला, हमारा सपोर्ट पहला फर्स्ट सपोर्ट था जो कि हमारा 300.01.18 के लगभग था। देखिए हमने थोड़ा सा इसको रेस्पेक्ट किया, हम यहाँ पे डूबे लेकिन उसका फिर कैंडल हुई, यानी कि आप देख सकते हैं जिस तरीके का ट्रेड हुआ 1,78,00,000 के लगभग, तो उसी से पता चलता है कि लोग जब सेलिंग करने पे आते हैं तो वही उनको कोई समझा नहीं सकता, तो उन्होंने देखिए दूसरा रेजिस्टेंस भी जो था उसको भी तोड़ दिया, दूसरा सपोर्ट जो था हमारा देखिए उसको भी तोड़ दिया और देखिए ये सपोर्ट हमारा था 298.32 के लगभग, हमने देखिएगा इसको भी तोड़ा, हमने सपोर्ट 1 तोड़ा, हमने सपोर्ट 2 भी तोड़ दिया, तो देखिए हमने ये सपोर्ट भी तोड़ा उससे कहना नीचे जाके हमने कई क्लोजिंग दिखाई थी। वही बात करेंगे देखिए नीचे जो सपोर्ट है अब वो कौन सा है वो जान लीजिए 293.72 के लगभग, तो देखिए ये एक हमारा सपोर्ट है जो कि S3 है। अब देखिए हम काफी यहाँ पर हैं और देखिए कहीं ना कहीं अब जो कि होना था ये न्यूज डिस्काउंट कैसे होगी ये अब हमें मंडे को पता चलेगा। वही बात करेंगे देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की, अब देखिए कितनी बड़ी कैंडल यहाँ पे बन चुकी है, तो देखिए 9 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है ये येलो वाली जो कि तकरीबन हमारी बैठी हुई है 295.24 के लगभग, देखिए ये यहाँ पर है यानी कि ये एक लेवल है जिसको आपको समझ के चलना पड़ेगा। अगर ये इसको तोड़ता है क्योंकि काफी बड़ी रैली में इसने बिल्कुल इसको नहीं तोड़ा, टच भी नहीं किया, तो अब देखने वाली बात है क्या हम इतने नीचे आएंगे कि नहीं। वही बात करेंगे देखिएगा 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन की,
तो देखिए ये यहाँ पे देखिए ये हमारी जो पिंक वाली लाइन है ये बैठी हुई है 287.82 के लगभग। ये हर एक लेवल है जो सपोर्ट को दिखाता है। वही देखिएगा ये भी देखिएगा यहाँ पर देखिए ये जो हमारी ब्लू वाली लाइन है 50 और नीचे देखिएगा ये रेड वाली 100 और उससे नीचे 200। अब देखिए पहले बात कर लेते हैं, देखिए हमारी ये जो हमारी ब्लू लाइन है यानी कि जो हमारी 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है तो देखिए इसकी कैलकुलेशन जो है 84.80 के लगभग है। और देखिए जो 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है जो ज्यादा स्टेबल होती है 283.85 के लगभग, इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर है। वही देखिएगा जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की लाइन है वो 281.94 है। और आपको याद होगा कि ये तकरीबन इस जोन में ही खेलता रहता है, इसी जोन में रहता है ये। लेकिन इस बार ये इतना निकल के आया क्योंकि इसके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स बहुत अच्छे थे और जो 370 का इसका टारगेट है। अब वही देखने वाली बात है कि ये किस तरीके से वहां तक पहुंचता है। अब देखिएगा चीजें आपके सामने लगी हुई है, देखिए हम 70 और 30 यानी कि ओवरबॉट और ओवरसोल्ड रीजन वन डे के चार्ट पर जब देख रहे हैं तो देखिएगा हम क्रॉस कर चुके थे, हमारी खरीदारी की स्ट्रेंथ 70 के पार निकल चुकी थी, उससे अबव थी कि आप चूंकि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी हुई और जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग हुई वो मैं आपको दिखा दूंगा ऑप्शन चेन से। तो देखिएगा अब चूंकि हमारी जो स्ट्रेंथ हमें दिखाई पड़ रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है देखिएगा 64.34 के लगभग। आप देखिए ये हमारी स्ट्रेंथ है जो कि बाइंग स्ट्रेंथ है, खरीदारी की स्ट्रेंथ, तो इसको आप समझ के चलिएगा। वही बात करते हैं ऑप्शन चेन की, आप देखिए ऑप्शन चेन में जैसे हम एट द मनी आके देखते हैं जो कि 295 और 300 के लगभग है, तो देखिए अब जो देखने वाली बात है वो देखिए जबरदस्त पुट की देखिएगा यहाँ पर किस तरीके की अनवाइंडिंग हुई है, ऊपर से नीचे तक पूरा अनवाइंड हुआ है। अब इस न्यूज को इतना ज्यादा इफेक्ट हुआ है कि अब क्या बताएं। अब वही बात करते हैं तो देखिए हमारा रेजिस्टेंस जो 305 पे जाके बैठ गया है 11,13,000 के लगभग, वही उससे नीचे देखेंगे तो 393,000 के लगभग देखिएगा यहाँ पर भी आज हमारी यहाँ पे भी कॉल राइटिंग हुई है, कहा 305 और 310 के लगभग। तो अब ये रेजिस्टेंस बन गया है, अब ये देखने वाली बात है कि ये इसको किस तरीके से करेगा क्योंकि जिस तरीके की हमारी देखिए अनवाइंडिंग हुई है पुट्स में, ये पुट की जो अनवाइंडिंग हुई है यानी कि पुट जो वीक हुई है, ये जो हमारा सपोर्ट वीक हुआ है, अब ये बहुत सोचने वाली बात है इसको। लेकिन अब चूंकि मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ वो है देखिएगा ये, अब देखिए ये क्या चीज दिखा रहा हूं मैं, अब देखिएगा 295 पे अगर हम कंपेयर करके देखें अपने सपोर्ट को तो देखिये यहाँ पर जो टोटल कम्युनिटी ऑपरेटर्स है वो 8,58,000 के लगभग है, वही अगर इसको कंपेयर कर लिया जाए तो देखिएगा 295 में पुट्स में तो वो 17,37,000 से फाइट करेगा। अब आप खुद समझ लीजिए कि अभी भी हमारा सपोर्ट इतना भी कमजोर नहीं है कि हम नीचे जाके धड़ाम होने वाले हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हुई, न्यूज थोड़ी सी डिस्काउंट होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो आप इस चीज को पकड़ के चलिएगा। सबसे पहला टारगेट 315 का है जो मैक्वेरी ने दिया था, उसके बाद देखिएगा 350 का जो टारगेट है जो कि हमारा दिया था क्रेडिट सीरीज ने, उसके बाद देखिएगा 370 का टारगेट था जो कि हमारा दिया था HSBC ने। तो देखिए कहीं ना कहीं ये सब टारगेट्स हैं, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग और वो सब चीजें और न्यूज की वजह से जो इम्पैक्ट हुआ और पूरा सेक्टर भी धड़ाम हुआ फ्राइडे को, तो वो कहीं ना कहीं चीजें देखने में आई। बाकी रेजिस्टेंस 305 पे बिल्कुल डेवलप हुआ है, हमारा रेजिस्टेंस नीचे की तरफ काफी मजबूत भी है, लेकिन हमारे सपोर्ट भी नीचे की तरफ बहुत मजबूत है यानी कि ऊपर की तरफ 295 के यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ बहुत हमारा मजबूत है, वही देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस मजबूत है, तो थोड़ा बहुत समय तो हमारा लगेगा, चीजें डिस्काउंट होंगी, तो इस चीज को आप समझ के चलिएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं वीडियो में खत्म करता हूँ, आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसका बेल आइकन उसको प्रेस कर दीजिए, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक कर दिए, फ्रेंड के ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए थैंक यू।